गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 20। तो बच्चों, आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 20 पढ़ना है। तो जो चैप्टर नंबर 18 है वो है हमारा डिकोड द कोड। यहाँ पे आपको कोडिंग लैंग्वेज दी हुई है, तो आपको इसे क्या करना है, अच्छे से समझना है एंड इसे डिकोड करना है। तो किस टाइप के क्वेश्चन से ये देखो, फॉलो द कोडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर द क्वेश्चन बाय एंड सर्किंग द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन्हें अच्छे से रीड करना है एंड उसकी लैंग्वेज को समझना है, फिर उसके बाद में आपको आंसर करना है एंड जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, अगर हम ऑरेंज को बटर कह रहे हैं एंड बटर इज कॉल्ड सोप, एंड बटर को हम सोप कह रहे हैं एंड सोप इज कॉल्ड इंक, सोप को आप इंक कह रहे हैं एंड इंक इज कॉल्ड हनी, एंड इंक को हम हनी कह रहे हैं एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज, एंड हनी को हम क्या कह रहे हैं, ऑरेंज कह रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। तो बच्चों, कपड़े धोने के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, सोप का। ठीक है, सोप से हम कपड़े धोते हैं। ठीक है, तो सोप को इस कोडिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, देखो फिर से आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ऑरेंज को हम बटर बोलते हैं, ठीक है, बटर को हम सोप कह रहे हैं एंड सोप को हम इंक कह रहे हैं, मतलब सोप को हम इंक कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, सोप का हम यूज़ करते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोप को हम क्या कह रहे हैं, इंक। तो मैंने ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक कर दिया है, ओके, मतलब सर्कल लगा दिया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर एंड ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड स्कूटर, स्कूटर इज कॉल्ड बाइसिकल, बाइसिकल इज कॉल्ड बाइक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्लो द फील्ड। तो स्टूडेंट्स, जो आपका फील्ड होता है मतलब खेत होता है, ठीक है, तो किसानों के पास जो खेत होता है वो उसे कैसे जोतता है, ठीक है, प्लो, ठीक है, मतलब उसके अंदर उसकी मतलब खोदना होता है, मिट्टी को थोड़ा सा खोदना होता है, तो उसे बोलते हैं हम प्लो। तो वो किससे करते हैं, हम ट्रैक्टर से, है ना, गाई से करता है किसान, ट्रैक्टर से। तो आंसर क्या होगा हमारा, ट्रैक्टर, बट हमें कोडिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम ट्रैक्टर को क्या कह रहे हैं, फिर से आप रीड करें क्वेश्चन, इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस, ट्रेन को हम बस कह रहे हैं, बस को हम ट्रैक्टर कह रहे हैं एंड ट्रैक्टर को हम क्या कह रहे हैं, कार। तो ट्रैक्टर को क्या बोला हमने, कार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार। तो हम ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी पर सर्कल बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। नाउ बी वाला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द कोड फॉर द राइट मोस्ट फिगर, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, देखो बच्चों, है ना, अब पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोडिंग पहचाननी है, उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में आपको नजर आ रही है एक ट्राइंगल एंड उसके अंदर है सर्कल, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, ए बी, है ना, फिर आपके पास है एक स्क्वायर, उसके अंदर है ट्राइंगल, फिर लिखा है यहाँ पे बी सी, मतलब जो ट्राइंगल का नेम है वो क्या हो गया हमारा, बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप देखिए, अंदर ट्राइंगल है एंड बाहर क्या है, बाहर है सर्कल, तो इसका नेम क्या लिखा हुआ है, बी ए, तो मतलब ट्राइंगल का नेम तो बी है, तो पहले बी लिखा हुआ है एंड सर्कल का नेम क्या है, ए, तो यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है, मतलब बाहर वाली चीज़ को आपको बाद में लिखना है, अंदर वाली चीज़ को पहले लिखना है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट पिक्चर है, आपका स्क्वायर है अंदर एंड ट्राइंगल है बाहर, तो स्क्वायर को हम क्या कह रहे हैं, सी। देखो सेकेंड वाली पिक्चर देखो क्या लिखा है, बी सी, तो यहाँ पर ट्रायंगल को हमने बी बोला था, तो सी क्या हुआ हमारा, स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सर्कल लगा दिया। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, दोनों एक्सरसाइज को। ये थी आपकी कोडिंग और डिकोडिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर नंबर 20 इज फाइंड द अनमैच्ड।
मतलब आपको इसमें जो अनमैच्ड आपके वर्ड हैं उनको बाहर करना है सर्कल लगाकर, ठीक है। फाइंड द ओड वन आउट एंड सर्कल इट। आपको इसमें ओड जो थिंग है, ओड जो वर्ड है, उसे आपको बाहर करना है कैसे, सर्कल लगा के। तो देखो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे स्केटिंग, हॉकी, गोल्फ एंड क्रिकेट। अब बच्चों स्केटिंग हम कैसे करते हैं, स्केटिंग आपके शूज होते हैं उस पर व्हील्स लगे होते हैं उससे हम स्केटिंग करते हैं, ठीक है। एंड बी ऑप्शन क्या है आपका, हॉकी, हॉकी में एक स्टिक होती है जिससे खेलते हैं। गोल्फ, गोल्फ में भी स्टिक होती है एंड बॉल होती है, ठीक है। एंड ऐसे क्रिकेट में भी बैट बॉल होती है, तो उसे आप, ये तीनों कैसे हो गए हमारे एक टाइप के गेम हो गए, लेकिन स्केटिंग हमारा डिफरेंट हो गया, इसलिए हमारा जो ओड हो गया वो है स्केटिंग। तो हमने यहाँ पर स्केटिंग पे सर्कल लगा दिया है, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा, सेकंड वाला देखो, सेकंड में हमारे पास है बुक रीडिंग, पोएम राइटिंग, मेकिंग पेंटिंग एंड स्विमिंग। तो देखो बच्चों बुक रीडिंग क्या हो गई आपकी, बुक को पढ़ना। पोएम राइटिंग क्या हो गई, किसी नोटबुक पे लिखना। मेकिंग पेंटिंग मतलब किसी पेज पर पेंटिंग बनाना। और स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या हो गया आपका, यहाँ पे ऑड हो गया। कैसे, क्योंकि स्विमिंग में आपका कोई भी राइटिंग का या रीडिंग का, ठीक है, मतलब स्टडी वाला वर्क नहीं हो रहा है, ये आपका थोड़ा अदर एक्टिविटी हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक कर दिया। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आप ओड थिंग ढूंढिए। गैंगटॉक लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में लिखा है भुवनेश्वर, सी ऑप्शन में अंबाला, डी ऑप्शन में जयपुर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे सी ऑप्शन पर सर्किल लगा दिया, क्यों, क्योंकि गैंगटॉक, भुवनेश्वर एंड जयपुर क्या है, कैपिटल से स्टेट की, बट अंबाला नहीं है, इसलिए मैंने सी ऑप्शन पे टिक सर्किल लगा दिया। एंड फोर्थ है आपका देखो ए ऑप्शन में कर्ड, बटर, फिर क्रीम, फिर बिस्किट्स। बच्चों कर्ड, बटर एंड क्रीम किससे बनता है, हमारा मिल्क से, बट बिस्किट्स हमारे क्या होते हैं, ये अदर थिंग हो गई, ये हमारी मैदा से, आटे से बनती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी ऑप्शन को ऑड बना दिया है, ठीक है। बिस्किट हमारे ऑड हो गए, तो मैंने यहाँ सर्कल लगा दिया। एंड फिफ्थ है आपका देखो यूरेनस, मरकरी, सैटर्न एंड नेपच्यून। तो बच्चों ये क्या है, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून क्या है, आपके प्लैनेट्स के नेम है। एंड मरकरी क्या होता है आपका, एक एलिमेंट होता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी ऑप्शन पे सर्कल बना दिया, क्योंकि ये हमारा ऑड हो गया। एंड सिक्स है आपका गुआवा, गुआवा, ग्रेप्स, जैकफ्रूट एंड कीवी। तो बच्चों गुआवा, ग्रेप्स एंड कीवी क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बट जैकफ्रूट क्या होती है, वेजिटेबल होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक लगा दिया है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर और थिंग्स पहचाननी है, उन पे सर्कल्स लगाना है एंड उन्हें बाहर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके,